1614 ईस्वी के अंतिम दो तीन माह में खुर्रम के नेतृत्व में समुचे मुगल साम्राज्य की सेनाओं ने मेवाड़ के राजपूतों को चारों ओर से घेर लिया था। राजपूतों को रसद पहुंचनी बंद हो गई थी, खेत पहले ही जला दिए गए थे। मेवाड़ के जो राजपूत जिन पहाड़ियों में थे वे वहीं फंस कर रह गए। इन दिनों महाराणा अमर सिंह ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, ऐसी भयंकर परिस्थितियों का सामना तो कभी महाराणा प्रताप सिंह जी ने भी नहीं किया था। पर इन परिस्थितियों से भी महाराणा अमर सिंह जी के मन में एक पल के लिए भी अपने पूर्वजों की महान परंपरा को तोड़ने का ख्याल नहीं आया। परंतु मेवाड़ के सामंत और कुंवर कर्ण सिंह आदि के मन वर्षों से रक्तपात और 1614 ईस्वी के भयंकर आक्रमण से टूटने लगे थे, क्योंकि जिस मातृभूमि की रक्षा के खातिर वे वर्षों से अपना सर्वस्व दांव पर लगाने को तत्पर थे, वह मातृभूमि इतने प्रयासों के बाद भी प्रतंत्रता की ओर बढ़ रही थी। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि लंबे समय से चली आ रही यह अत्यंत पीड़ादायी लड़ाई मेवाड़ के लिए ऐसी आपदा बन चुकी थी जिससे निस्तार का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेवाड़ पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, जनसाधारण का विनाश, मंदिरों का विध्वंस, मृत शरीरों का छिन भिन करके चित्राया जाना, आम जनता और औरतों और बच्चों का नीलाम करना, घरों को फूंकना, पकी फसलों को जलाना आदि अत्याचारों से मेवाड़ का सामाजिक व आर्थिक ढांचा हिल गया था। महाराणा अमर सिंह जी की सेना दिन प्रतिदिन कम होती गई और प्रजा पर अत्याचार होने लगे तो महाराणा बड़ी दुविधा में फंस गए। एक तरफ उनकी प्रजा सरेआम नीलाम हो रही थी और दूसरी तरफ 1000 वर्षों से चली आ रही मेवाड़ की स्वाधीनता दांव पर लगी थी। दुविधा यह है कि इन दोनों में से महाराणा को किसी एक को चुनना था। महाराणा अमर सिंह ने एक दोहा लिखा और कहा कि इसे अब्दुल रहीम खाने खाना के पास भेज दिया जावे। कृष्ण भक्त अब्दुल रहीम खाने खाना बैराम खां का बेटा था। यह वही सिपाही सालार था जिसकी बेगमों को महाराणा प्रताप सिंह जी के समय कुंवर अमर सिंह ने बंदी बनाया था। वह महाराणा प्रताप सिंह जी ने सभी को मुक्त कर दिया था, तभी से रहीम मेवाड़ का तरफदार रहा था। महाराणा अमर सिंह ने इस द्वय के जरिए रहीम से पूछा कि कब तक मुझे और मेरे साथियों को वन में भटकना चाहिए। गोड़ कचाहा रठवड़ गोखा जोख करत कह जो खाने खान ने वचन रू हुआ फिरंत तौरा सु दिल्ली गई राठौड़ा सु कन्नौज अमर पूछे खान ने सो दिन दिसे अज। अर्थात महाराणा अमर सिंह रहीम से कहते हैं कि तंवर राजपूतों के हाथ से दिल्ली गई थी, राठौड़ राजपूतों के हाथ से कन्नौज निकल गया था, आज फिर वही दिन आया है, हमारे हाथ से मेवाड़ जाने लगा है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने महाराणा को जवाब में यह दोहा लिखा, दर रहसी धर्म कब्जा सी कुरसाण अमर विंस भर ऊपरा रा को निह चौराण। अर्थात हे राणा अमर सिंह, धरती रहेगी, धर्म भी रहेगा, पर मुगल साम्राज्य एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। गैरत के आराम से इज्जत की तकलीफ अच्छी, इसलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। रहीम के इस संदेश से महाराणा अमर सिंह को कुछ तसल्ली हुई, जिसके बाद वे कुछ और लड़ाइयां लड़े। परंतु समुचे मुगल साम्राज्य के सामने मेवाड़ की छोटी सी सेना कब तक सामना करती। मेवाड़ के लोगों और अपनों की हालत देखकर मेवाड़ के सामंतों और कुंवर कर्ण सिंह के हौसले पस्त होने लगे थे। रहीम व महाराणा अमर सिंह जी के बीच हुए इस पत्र व्यवहार को इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा सत्य घटना मानते हैं, परंतु अन्य बहुत से इतिहासकार इस घटना को इसलिए खारिज करते हैं क्योंकि उस समय मेवाड़ चारों ओर से घिरा हुआ था और वहां से आगरा तक पत्र व्यवहार संभव नहीं था। बहरहाल सत्य जो भी हो, मेवाड़ के महाराणा का हृदय धर्म संकट में पड़ गया था। तुजू के जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि मेवाड़ में जहां जहां रहने की जगह खराब थी और बीहड़ जंगल थे, वहां मिकोरम ने राणा के पीछे एक के बाद एक फौज भेजकर थाने बैठा दिए। सहजादे ने भारी गर्मी और भारी बरसात की भी कोई फिक्र न की। मेरे हुक्म से मेरे बेटे खुर्रम ने राणा अमर के मुल्क के लोगों को कैद कर लिया। राणा को पैगाम भेजा गया कि या तो अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए बादशाही मताहती कबूल करे या उनकी परवाह किए बगैर अपने मुल्क को छोड़कर चला जावे। क्या यहाँ कुंवर कर्ण सिंह को दोष दिया जाना उचित है? जी नहीं, कुंवर कर्ण सिंह का तो जन्म ही जंगलों में हुआ था। वनवासी की तरह उन्होंने जीवन के 28 वर्ष इन जंगलों में रहकर बिताए और हर लड़ाई में पिता का साथ दिया। क्या यहाँ मेवाड़ के सामंतों को दोष दिया जाना चाहिए? जी नहीं, मेवाड़ के इन सामंतों की कई पीढ़ियों ने मातृभूमि के खातिर अनेक बलिदान दिए और वे स्वयं भी बलिदान देने से पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन दिनों जीवन का बलिदान देना मेवाड़ के बहादुरों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बात प्राणों की नहीं मान सम्मान की थी, क्योंकि अब राज परिवार और सामंतों की स्त्रियों पर भी संकट आने का भय था। मेवाड़ जिस मान सम्मान के लिए लड़ रहा था, यदि वो मान सम्मान इस संकट में हो तो फिर किसकी रक्षा की जाए? कुंवर कर्ण सिंह व मेवाड़ के सामंत भलीभांति महाराणा अमर सिंह के हृदय को समझ सकते थे।
वहां डामर सिंह का हृदय कांपने लगा, परंतु यह कंपन न तो अपने प्राणों के लिए थी और न किसी भय के कारण। यह कंपन थी मेवाड़ की महान स्वतंत्रता की परंपरा को तोड़ने का अपमान सहन करने की। यह कंपन थी प्रजावत्सल महाराणा अमर सिंह की प्रजा के सरेआम नीलाम होने की। मेवाड़ के सामंतों ने मिलकर सलाह की, जिसमें मुगल साहेजादे खुर्रम से संधि की बात करना तय रहा, लेकिन सामंतों ने संधि वाली बात महाराणा अमर सिंह जी को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराणा इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। साथ ही सभी सामंत भी यह जानते थे कि महाराणा अमर सिंह कभी दूसरे राजाओं की तरह बादशाही दरबार में जाकर मुगल बादशाह को सलाम नहीं करेंगे। इसलिए सामंत चाहते थे कि संधि कुछ इस तरह से हो कि महाराणा को मुगल दरबार में हाजिरी ना देनी पड़े और महाराणा की जगह कुंवर कर्ण सिंह को दरबार में भेज दिया जावे। सभी सामंत एकमत से कुंवर कर्ण सिंह के पास गए और उनसे कहा कि बादशाही फौज इस कदर हावी हो चुकी है कि हमारी स्त्रियों और बच्चों तक के पकड़े जाने का खतरा मंडराने लगा है। प्रजा पर अत्याचार हो रहे हैं, इस खातिर आप यदि तैयार हो तो हम संधि की बात आगे बढ़ाए। कुंवर कर्ण सिंह ने कहा कि हम स्वयं भी यही कहना चाहते थे, परंतु दाजीराज के सामने यह कहने का साहस नहीं है मुझ में, पर आप सभी साथ हो तो इस संधि की वार्ता के लिए मैं खुर्रम से बात करने को तैयार हूँ। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह जी के इतिहास से जुड़ा यह 29वां भाग आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।